अगेन वी आर हियर इन लेक्चर 5। आज का ये लेक्चर टोटली फोकस्ड है ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। ब्लूम टैक्सोनॉमी को इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो पूरे रिलेट करेंगे आपके रियल लाइफ क्वेश्चन से, और एग्जाम में जो पेडागॉजी आएगी उसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत हेल्पफुल होगी। इससे पहले के लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स देखना ना भूलें, जिसमें अभी हमने रोल ऑफ ए टीचर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। बाकी पेडागॉजी रिलेटेड प्रीवियस 3 लेक्चर्स को आप देखना ना भूलें। इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी लर्निंग थ्योरीज पे। ये सारी वीडियोस बनाने का उद्देश्य एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं उन क्वेश्चंस को करना है। अगर हल्की फुल्की थ्योरीज आपको अच्छे से आती हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 5 ब्लूम टैक्सोनॉमी। इधर हम देखेंगे कि एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्या डोमेन्स हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, अपने डाउट्स को जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ बैठे हैं आपके हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअली 1956 में इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी, और उसके बाद इसको रिवाइज किया गया है 2001 में, इसकी न्यू रिव्यूड वर्जन आई है। तो अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 1956 जो स्टैंडर्ड सबसे पहला बना हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ब्लूम का ये मानना था कि जो हम सीखते हैं, यानी लर्निंग जो है, जो हम सीखते हैं वो एक्चुअली हम 3 डोमेन्स में करते हैं। एक होती है हमारी कॉग्निटिव डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन और एक साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव मीन्स दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव हमारे संवेग से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, और साइकोमोटर हमारे दिमाग और मसल से रिलेटेड, यानी कुछ वर्क दिमाग, इमोशन और मसल्स, इन तीनों से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हम सीखते हैं। तो लर्निंग है इन 3 आयाम्स में होती है, इन 3 डोमेन्स। तो इन 3 डोमेन में कैसे कोई सीखता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या प्रोसेस है इन 3 डोमेन्स में चीज़ों को सीखने का, ब्लूम ने इसको एक्सप्लेन किया है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर मुख्य 6 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूशन आएगा। आइए अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। नॉलेज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आया कॉग्निटिव में, नॉलेज। कभी भी कोई टीचर किस चीज़ को पढ़ाता है तो बच्चा सबसे पहले उसे ज्ञान प्राप्त करता है। नॉलेज का मतलब होता है स्ट्रेट नॉलेज। अगर कोई क्वेश्चन हमने पूछा किसी बच्चे से तो अगर उस बच्चे को उसके बारे में पता है तो आंसर देगा या तो नहीं दे पाएगा। 0-1 का रेशियो होता है, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, देन आंसर इज दिल्ली। अगर बच्चे को पता है तो आंसर देगा, नहीं पता है तो नहीं देगा। अब इसके अंदर वो कुछ बना के नहीं लिख बोल सकता, यानी कुछ अपनी एडिशनल चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर उसको पता होगा तो आंसर देगा, नहीं पता होगा तो आंसर नहीं दे पाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को कहते हैं नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर स्टूडेंट रिकॉल करता है, रिकोगनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, और जो उसने सीखा है वो अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखने का तरीका है, जैसे चिल्ड्रन विल बी एबल टू राइट, चिल्ड्रन विल बी एबल टू लिस्ट, लेबल, नेम, स्टेट, डिफाइन। अब किस चीज़ को डिफाइन करना, अगर बच्चे को पता है तो डिफाइन कर पाएगा, नहीं पता तो डिफाइन नहीं कर पाएगा। नॉलेज ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या उसको उस चीज़ का ज्ञान है। अगर उसको उस चीज़ का ज्ञान है तो आंसर देगा, नहीं अगर नहीं है तो नहीं दे पाएगा। तो फर्स्ट लेवल इज नॉलेज। अगर बच्चे को नॉलेज है, यानी कि अब उसको यह पता चल गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड करना, अब कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब है अब उसने कोई चीज़ सीख ली है, तो सीखने के बाद अब उसके बारे में वो जानता है कि जैसे अब दिल्ली की क्या खास बात है, उसके बारे में जानेगा, उसके बारे में पता करेगा। तो अब इस पे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आएगा कि दिल्ली के बारे में कुछ बताइए। अब जब दिल्ली के बारे में कुछ बताने की बात आएगी तो इसमें नॉलेज तो काम आएगी, लेकिन वो नॉलेज को कैसे अपनी चीज़ों में इंक्लूड करेगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। जैसे वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, समराइज कर पा रहा है, पैराफ्रेज कर पा रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है, इलिस्ट्रेट कर पा रहा है, इसमें उसकी नॉलेज तो काम आएगी, लेकिन वो अपनी नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कॉम्प्रीहेंशन अंडर द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन।
थर्ड है एप्लीकेशन। अब उसको उस चीज़ की नॉलेज भी है, उसको उसके बारे में पता भी है, अब वो उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा या कैसे उसको नेक्स्ट लेवल में इम्प्लीमेंट करेगा, दैट इज हिज एप्लीकेशन स्किल। तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव आता है वो है एप्लीकेशन स्किल्स। इसके अंदर है वो यूज़ कर पाएगा, कंप्यूट कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, एक कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि अब क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि हमने उसको एडिशन सिखाया, सबसे पहले बताया कि एडिशन का सम होता है, एडिशन इस तरीके से किया जाता है, तो नॉलेज दी हमने। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंड कराया, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, बच्चा अब समझ गया है। अब वो उस नॉलेज को किस तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेगा। जैसे अगर वो दुकान पे गया और उसने 5 रुपए की चीज़ खरीदी और 10 रुपए दिए, तो रिटर्न में उसको 5 रुपए मिलेंगे। अगर ये उसको कंप्यूट कर पा रहा है, मीन्स उसने अपनी अपनी एजुकेशनल नॉलेज को रियल लाइफ नॉलेज में अप्लाई कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो इस तरह की चीज़ों को हम कहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव। आप जो हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं वो सीक्वेंस में है, अगर ऊपर की कोई भी चीज़ लैप्स होगी तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पहला हुआ नॉलेज, सेकेंड हुआ कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड हुआ एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है अब उसने जो चीज़ सीखा है अब उसके बारे में सोचेगा कि ये सही है कि गलत है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या गलत है, क्या खामियां हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश करेगा। जैसे वो चीज़ को एनालाइज करेगा, कैटेगराइज करेगा, कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, उसको सेपरेट करेगा, मीन्स अब वो उसके बारे उस कॉन्सेप्ट के बारे में और सोचेगा कि अगर दिल्ली भारत की राजधानी है तो क्यों है, ऐसा क्यों था, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत का सेंटर था जहाँ से हर एक जगह पे काबू किया जा सकता था, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाई गई। तो ये पॉइंट उसने एनालाइज किया, ये तभी पता चलेगा जब उसके फर्स्ट 3 चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे एप नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। जब उसकी क्लियर होगी उसके बाद वो एनालाइज लेवल पे आएगा। अगर ऊपर की 3 चीज़ उसको नहीं आती तो वो चौथी चीज़ नहीं कर पाएगा। तो एनालिसिस में होता है उसको एनालाइज करना, कैटेगराइज करना, कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट और सेपरेट करना। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि अब वो क्या कर रहा है, उसको एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कंपेयर कर रहा है और कुछ न्यू डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ न्यू हाइपोथेसिस सेट कर रहा है, कोई अपनी न्यू थ्योरीज बना रहा है, जिसके जिससे वो अपने आप के अंदर उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सके। रिक्रिएशन, सिंथेसिस के अंदर आया रिक्रिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इवेल्युएशन। अब उसके बाद क्या करता है, वो जज करता है कि मैंने जो सीखा है वो गलत है या सही है। अगर वो सही है तो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर वो गलत है तो वो फिर से नॉलेज बेस पे जाता है, फिर वो कॉम्प्रीहेंड करेगा, अप्लाई करेगा, एनालाइज सिंथेसाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा, फिर अपना परफॉर्मेंस दिखेगा। अगर सही है तो इट मीन्स इट इज़ करेक्ट, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, अदरवाइज कुछ मिस्टेक्स हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलते रहती है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव है, जो संज्ञानात्मक दिमाग से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डोमेन है, उसके अंदर बेसिक 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले नॉलेज आएगा, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिर एप्लीकेशन आएगा, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन। अब आते हैं दूसरे डोमेन पे, द इफेक्टिव डोमेन। दिस इज इमोशन बेस्ड डोमेन। अब इसके अंदर है कि एक बच्चे के अंदर सिर्फ दिमाग का विकास नहीं, जो न्यू सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है। तो अब इमोशनल डेवलपमेंट करने की क्या स्टेप्स हैं और क्या चीज़ें हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले रिसीविंग। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को रिसीव करता है, देखता है। द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली प्ले अटेंशन। सबसे पहले वो किसी चीज़ को देखता है, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेगा। फर्स्ट स्टेप आता है 5 लेवल्स है। फर्स्ट लेवल है वो रिसीव करता है, किसी चीज़ को देखता है कि भाई क्या चीज़ हो रही है, फिर उसको देखने के बाद वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उस पर रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसको वैल्यू करता है कि भाई ये चीज़ सही है कि गलत है, और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और एक अपनी मेंटेलिटी सेट कर लेता है, और सेट करने के बाद फिर वो उसको ऑर्गेनाइज करता है, अपनी वैल्यूज को, अपने पॉइंट्स को, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाता है, और कॉन्सेप्ट बनाने के बाद उसको अपने में कैरेक्टराइज कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले उसने देखा कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, तो उसने देखा। अब देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि जब वो उसको मारा तो दूसरा बंदा जो है वो उसकी बात मानने लगा, तो उसने एक वैल्यू सेट कर लिया कि अगर मैं किसी की पिटाई करूंगा तो मेरी बात वो मानेगा। तो ऑर्गेनाइज कर लिया उसने उस कॉन्सेप्ट को और उसने उसको अपनी हैबिट बना ली। लेकिन ये एग्जांपल एक नेगेटिव एग्जांपल है,
अब बच्चा जिस तरीके से ये नेगेटिव चीज सीख रहा है उस तरीके से पॉजिटिव चीजें भी सीखता है कि अब एक किसी की हेल्प कर रहा है तो दूसरा भी उसकी हेल्प कर रहा है। हेल्प करने के बाद उसने देखा कि हेल्प करने के बाद लोग लोग कैसे उसकी उसको अच्छा कहते हैं, उसके बाद सारे व्यूज को ऑर्गेनाइज करेगा कि ये अगर सही है तो इस किस तरीके से मुझको बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने हैबिट के अंदर वो कुछ वैल्यूज डेवलप करेगा और एग्जिस्टिंग जो नॉलेज थी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, और धीरे धीरे एक काम करते करते यानी सच बोलते बोलते वह उसकी आदत बन जाएगी और वह उसका कैरेक्टराइजिंग पार्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं साइको मोटर डोमेन पे। साइको मोटर दो शब्द से बना है, साइको और मोटर। साइको मीन्स दिमाग ब्रेन एंड मोटर मीन्स हमारी मसल्स, यानी कि कोई ऐसा काम जिसके अंदर हमारी मसल्स और हमारा ब्रेन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन के बाद वो काम होता है, तो ऐसे काम को हम कहते हैं साइको मोटर वर्क। तो हमारी लर्निंग के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो हमारे साइको मोटर डोमेन को इफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ब्लूम ने दिया है। तो ब्लूम ने साइको मोटर जो एस्पेक्ट है साइको मोटर डोमेन को फर्दर 5 स्टेप्स में क्लासिफाई किया है। ये एक सक्सेसिव स्टेप्स हैं जिसमें है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो सबसे पहला आता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लर्नर पहले किसी चीज़ को देखता है और उसकी प्रतिक्रिया मीन्स उसको रिपीट करता है, उसकी नकल उतारना। इमिटेशन को सरल शब्दों में हम कहेंगे नकल उतारना, किसी चीज़ की नकल उतारना। तो जैसे बंदर हमारी चीज़ को देख के नकल उतारता है या बंदर किसी चीज़ को देख के नकल उतारता है। आपने फेमस स्टोरी पढ़ी होगी, एक ने कैप फेंक दी और सारे बंदर ने भी कैप फेंक दी। सेम वैसे ही एक लर्नर सबसे पहले जो कुछ भी कोई करेगा उसकी नकल उतारेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बाइक चलानी है, अगर किसी एक को बाइक चलाने नहीं आती और दूसरे को चलाने आती है तो पहले सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है वो उसको देखता है कि वो कैसे कर रहा है और फिर ठीक उसकी नकल उतारता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और एक एक चीज़ को बहुत धीरे धीरे बहुत लेट और बहुत गलतियों के साथ करता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमिटेशन। देन सेकेंड मैनिपुलेशन, जब वो उसको रिपीट करते करते इतना उसके अंदर एबिलिटी हो जाती है कि उसको वो समझ जाता है, अब वो उसको खुद रिपीट करता है और रिपीट करने के बाद उसके लिए कुछ चेंजेस ला सकता है अपने हिसाब से। फिर उसके बाद है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है आप उसको रिपीट करते करते उसकी एक्सरसाइज करते करते अब उसकी हैबिट इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब उसकी जो स्किल्स हैं धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, एक्यूरेट हो रही है और सही हो रही है और जल्दी हो रही है, उसको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं लग रहा, यानी कि अनप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी थी वो कम होने लगी है और प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ने लगी है। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि एक बेसिक स्टेप यानी कि वो पूरी चीज़ अब वो उसको समझ चुका है, अब उसको किसी चीज़ से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने काम में एक्सपर्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि अब वो बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो चुका है, जैसे उसको ट्रेनिंग दी गई है वैसा वो उस काम को कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। अगर वो ऐसे स्टेप पे आ जाता है मीन्स वह हैबिट उसके अंदर आर्टिकुलेट हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है जब वो हमारी पूरी हैबिट बन जाती है जिसके अंदर वो ना चाहते हुए भी वो उस काम को कर सकता है, यानी कि शुरू में वह बाइक तो चला शुरू में बाइक चलाने में उसको बहुत मुश्किल हुई लेकिन आर्टिकुलेशन के स्टेप पे वो बाइक को बड़ी आसानी से चला पा रहा है, लेकिन अभी भी वो कुछ ध्यान लगा रहा है कि मुझे ये ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे करना है, क्लच दबाना है, गियर दबाना है, इस तरीके से हर एक स्टेप को ध्यान में रख के कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे अभी आप हैं, आप बाइक चलाते वक्त ये थोड़ी सोचते हैं कि मुझे किस टाइम क्या दबाना है, क्या दबाना है, वो सब तो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशंस है वो आपके दिमाग के अंदर सेट हो चुकी है, उसके लिए बार बार आपको सोचने नहीं कि मेरे को ये दबाना है, ये दबाना है, ये दबाना है, ऑटोमेटिक सारे काम फटाफट हो रहे हैं। मीन्स वो आपकी हैबिट का एक बहुत अंदरूनी हिस्सा बन चुका है, यानी कि स्टिंक्टिंग एफर्टलेट्स, अब आप उस पर मास्टरी कर चुके हैं। अब आप बाइक चलाते चलाते स्टंट भी लगा देते हैं, स्टंट चलाने किसी ने नहीं सिखाया, नाउ यू आर पुटिंग स्टंट्स, मीन्स अब वो जो बाइक सीखने की जो कला थी वो आपके शरीर के अंदर अब नेचुरलाइज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें सीखी जिसके अंदर हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 फर्दर डोमेन्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट था उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव हमारे दिमाग से रिलेट करता है, अफेक्टिव हमारे इमोशन से रिलेट करता है और साइकोमोटर हमारे मसल्स एंड माइंड दोनों से रिलेट करता है। कोई भी जो हमारी लर्निंग होगी वो तीनों एस्पेक्ट में होगी,
क्योंकि आज का जो समय है वो NCF 2005 के अनुसार कंस्ट्रक्टिव वे में क्लास को स्टडी कराता है। मींस अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें बच्चा लर्न बाय डू, यानी कि वो उस काम को करके सीखता है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अगर वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है मींस वो अपने साइकोमोटर एक्टिविटी को इंक्लूड कर रहा है, प्लस अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा है। मींस कॉग्निटिव स्किल एंड साइकोमोटर स्किल्स दोनों हो रही है। और आज के समय में वैल्यू एजुकेशन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हर एक कॉन्टेंट के अंदर इन्फ्यूज्ड ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं, इन्फ्यूज्ड ऐसे कंटेंट दिए जाते हैं, ऐसी स्टोरीज दी जाती हैं जिसके अंदर बच्चों के अंदर गुड मॉरल या गुड वैल्यूज़ डेवलप हो, या अच्छी चीज़ें डेवलप हो, अच्छी आदतें डेवलप हो। तो इन सब चीज़ों के का एक जो एक ग्रुप है, एग्रीगेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लूम ने दिया। फ्रेंड्स, ये जो हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है ये 1956 की है, ये मैं आपको पहले बता दूं, और ये 2001 में रिवाइज हो चुकी है। तो आप अपने फर्दर एजुकेशन के लिए या फर्दर सीखने के लिए आप 2001 की ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी रेफर कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्निंग थियोरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर समय रहते दे दिया जाएगा। और आगे सजेशंस दीजिए कि आपको किस तरह के डाउट्स हैं और किस तरह की क्लासेस आपको चाहिए, तो उस तरह की क्लासेस हम बनाएंगे। यह एक पूरा कुछ एक कुछ ग्रुप मिलके इस काम को कर रहे हैं, तो इसका कोई भी बिजनेस लेना देना नहीं है। तो आप खुले दिल से इसको इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और शेयर करना ना भूलें जिससे उन लोगों को भी इसकी मदद मिले जो इन सब चीज़ों से वंचित हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।